मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और सामूहिक बलात्कार के विरोध में आप महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग। खबर हरिद्वार से, जहां आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हेमा भंडारी के नेतृत्व में नगर निगम हरिद्वार से देवपुरा चौक तक पैदल मार्च निकालकर मणिपुर हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। देश के गृह मंत्री लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं, मणिपुर जल रहा है, परंतु मोदी जी 38 दलों के साथ बैठक कर लोकसभा की तैयारी में लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, परंतु देश के मन की बात नहीं सुनते। आपके प्रदेश सचिव महिला मोर्चा बालेश सिंह ने कहा कि भाजपा महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच रखती है। आपकी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हरिद्वार जोन ममता सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी मणिपुर हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती है और मुख्यमंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग करती है। प्रदर्शन करने वालों में विधानसभा उपाध्यक्ष महिला मोर्चा गीता देवी, पूजा शीला, सुनीता रेखा अंजलि और अवंतिका रावत, धीरज पीटर, संजय गौतम, विशाल शर्मा, किरण कुमार मौजूद रहे। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, देश की बेटी करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, देश की बेटी करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, देश की बेटी करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेंगे। मणिपुर में जिस तरह से ये घटना हुई है, महिलाओं के साथ में बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना है लगातार, और इसका सारा तमाशा जो बैठे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, जैसा नंगा नाच मणिपुर में हुआ है, देश की बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। आज देश की बेटी कहाँ अपने आप को महसूस करे। 4 मई को घटना हुई और इतने टाइम के बाद अब FIR दर्ज हुई है, उस घटना को दबा देने का काम किया, और शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री पर जो कहते हैं कि ऐसे दर्जनों घटनाएं होती हैं। क्या महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है? क्या देश की बेटियों के लिए कहीं सुरक्षा नहीं है? ऐसे 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 व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, और उस मुख्यमंत्री को तो तुरंत हटा देना चाहिए था, लेकिन आज तक वो मुख्यमंत्री एज इट इज बना हुआ है। और जिस तरह से देश को शर्मसार करने वाली घटना उनके सामने हुई है, नंगा नाच, ऐसे जो आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। देश में किसी भी महिला के साथ में ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, और सड़कों पर महिलाओं के लिए आंदोलन होंगे, देश की बेटियों के लिए होंगे। हम देश की बेटियों की सुरक्षा की मांग करते हैं, ऐसे जुमलेबाजी सरकार की नहीं कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं, और देश में दरिंद्रगी, इनके नेता भाजपा के नेता वो उसमें शामिल होते हैं, और जो देश के बेटियों के साथ होता है उसको दबाने का काम करती है भाजपा सरकार, वहां पर FIR नहीं करते हैं। देश की महिलाओं को, देश की जो मान बढ़ाने वाली महिला पहलवान है, उनको सड़कों पर आना पड़ा, और आज क्या हुआ, आज वो खुलेआम घूम रहा है ब्रजभूषण, उसके खिलाफ जो है भाजपा सरकार एक शब्द नहीं बोलती है। प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इनके जो नेता हैं बिल्कुल नंगा नाच महिलाओं के साथ में जो अपमान कर रहे हैं उसके साथ में वो शह देते हैं। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे प्रधानमंत्री को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से वेद प्रकाश की रिपोर्ट।